देश के चार राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने कारगिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी चार राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने चांद पर अपना परचम लहरा दिया है। हालांकि इस अभियान की सफलता के साथ ही इसरो ने अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार लक्ष्य है चंद्रयान 4। इसरो चंद्र मिशन को अगले स्तर पर ले जाने का इच्छुक है, लेकिन भारत उस चरण में अकेला नहीं है। इसरो अपने इस मिशन पर दूसरे देश के साथ मिलकर काम करेगा। इस कड़ी में जापान की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी JAXA के साथ एक समझौता हुआ है। भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 4 मिशन पर काम करेंगे। इस मिशन का मूल नाम ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। क्या चांद पर पानी है? इतना ही नहीं, भारत और जापान इस मिशन में चांद पर पानी की मौजूदगी जैसे सबसे खास सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या चांद पर पानी मौजूद है या नहीं। हालांकि इस मिशन के लिए दोनों देश अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसे अमल में लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके साथ ल्यूपेक्स या चंद्रयान 4 से भारत और जापान के बीच आपसी रिश्ते बेहतर होने की भी उम्मीद है। ये अभियान 2026 तक शुरू किया जा सकता है। भारत में पिछले कुछ समय से सब्जियों की कीमत में जबरदस्त तेजी आई है। ऐसे में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि सितंबर तक सब्जियों की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। RBI गवर्नर के मुताबिक भारत में जुलाई से ही सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है। टमाटर की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार ने सही समय पर टमाटर के दाम कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उठाए गए कदमों की वजह से महंगाई दर में करीब 130 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है। RBI गवर्नर को उम्मीद है कि सब्जियों की कीमत में गिरावट के बाद खुदरा महंगाई दर तीसरी तिमाही तक गिरकर 5.7% रह सकती है। भारत के युवा सनसनी रमेश बाबू प्रगरनाथन को फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में निराशा हाथ लगी है, जहां उन्हें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया। प्रगरनाथन ने फाइनल मैच में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो खिताब को अपने नाम नहीं कर सके। फाइनल के तहत दो दिन में दो बाजी खेली गयी और दोनों ही ड्रॉ पर खत्म हुई। इसके बाद मैच का नतीजा तीसरे दिन टाई ब्रेकर के जरिए निकला। यहां 25 मिनट के पहले रैपिड गेम में कार्लसन ने बाजी मारी, जिसके बाद दूसरा गेम ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने पहली बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है।